ये अचानक से सामने आ गई। ओ बाप रे, तो भी यार देखो वही है, ये अपनी तरफ बढ़ रही है और ये पीछे जा रही है, देखना एक बार। हाँ ये पीछे की तरफ जा रही है शायद। ओ भाई स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टार्ट हुई है और देखो बंद चालू हो रही है। देखो तो फिर अब चलेंगे कैसे वापस भाई? वो गाड़ी में श्योर 100% वो गाड़ी में से बंद, वहाँ कोई खड़ा है यार, वही है रोड पे, वही चीज है। जूम करना भाई, जूम करना। हाँ वही है। ओ भाई रुतबिया गाड़ी की लाइट, रुतबिया रुतबिया भाई 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 पीछे। जय श्री राम दोस्तों, मेरे सभी भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके भाई का बहुत सारा प्यार। भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे और आपका भाई राधे भी ठीक है। तो वापस से यार उसी लोकेशन पे ऑन डिमांड, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि वापस जाओ भैया और देखो जिस औरत के साथ बुरा हुआ था आखिर क्यों हुआ था, और जितना हो सके आप कोशिश करो कि यार उसकी मदद कर सको, ठीक है। तो इसी बेस पे आपका भाई वापस आज अकेला आया है उसी लोकेशन को विजिट करने, ठीक है। जीतू भैया मेरे साथ है नहीं, वो किसी काम से कहीं गए हुए थे, बट आपका भाई स्पेशली आपके लिए ये जानने का मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है इस चीज़ में कि यार वो अब चाहती क्या है, ठीक है। उसकी मौत हो चुकी है, उसकी बेटी भी अभी जिंदा है, बट दोस्तों वो कोमा में है, ठीक है, पता नहीं कितने सालों से। हो सके भगवान का आशीर्वाद हो इसीलिए अब तक वो बच्ची जिंदा है, और जिन लोगों ने गलत करा, जिन कुत्तों ने, उन भड़वों को भगवान ने सजा दे दी। कर्मा, आपने सुना होगा दोस्तों कर्मा, कि जो जैसा करता है ना उसके साथ ऊपर वाला वैसे ही करता है। जिस भाई को इस चीज पे डाउट हो वो अच्छे से सुन ले, वापस से दोहरा रहा हूं कि कर्मा एक ऐसी चीज है जैसा आप किसी के साथ करोगे ना उसका 1000 गुना उल्टा वापस आपको मिलेगा। मतलब अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, थोड़ा सा बुरा कर रहे हो, तो आपका 1000 गुना बुरा होना है, बस वेट, सब्र रखो, ठीक है। और कुछ मेरे भाई ये मेरे को भी कुछ रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं, तो यार देखो गलतफहमी हो रखी है कुछ चीज़ों की, अभी मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन हाँ जिन भाइयों के दिल में मैं यहाँ हूँ, ठीक है, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बस सब्र रखो, पेशेंस, ठीक है, धैर्य। आपके भाई की आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी एक ऐसा सरप्राइज मैं आपको दूंगा, आप खुद बोल दोगे कि यार क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी यार मैं फालतू की बातों में या किसी से बहस करने का ऐसा कुछ इरादा है नहीं, बस मेरी जो ऑडियंस है ना, जिनके दिलों में मैं बैठा हूँ या जो लोग मेरे दिल में बैठे, उनसे इतना कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस करो आपके भाई के लिए, थोड़ा सा धैर्य रखो, वक्त आने पर मैं आपको बताऊँगा। बात करते हैं फिलहाल जहाँ पे खड़े हैं वहाँ की। आज मैं दोपहर में इस जगह पहुँच गया था, काफ़ी गांव वालों से मिला, काफ़ी लोगों से बातें करी, उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि यार भैया आप ज़्यादा आगे मत जाना, उसके क्लोज मत जाना, हो सके आपकी जान को खतरा हो। बट दोस्तों आज आप लोगों के प्यार और दुआ के साथ मैं जितना हो सके उसके करीब जाने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि वो हमसे कोई बात करने की कोशिश करती है या कोई इशारा देती है, ठीक है। सेफ्टी के लिए गुरुदेव की माला है मेरे पास, ठीक है, और आप लोगों का प्यार और बजरंगबली और मेरी राधा रानी उनकी कृपा बनी हुई है। तो बिना देर करे वहीं पे चलते हैं और बाकी बातें करते हैं गाड़ी में बैठने के बाद, ठीक है भाई। तो यार दोस्तों निकल चुके हैं उस लोकेशन के लिए। मेन चीज़ है यार कि दोस्तों इन चीज़ों का सामना करना मामूली बात नहीं है, ठीक है। डर सबको लगता है, ठीक है, हम कोई भगवान नहीं है, ना हमारे पास कुछ स्पेशल चीज है जो कि ये चीजें हमें डरा नहीं सकती या हम इनसे डरते नहीं है, बट एक चीज है कि यार हाँ थोड़ी सी सेफ्टी है जिस वजह से ये हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, ठीक है। और कभी कभी बहुत सी स्पिरिट ऐसी होती है कि यार ये सेफ्टी भी हमारी कोई काम नहीं कर पाती। यार आप लोग सोचते होंगे कि भैया जाते हैं ये करते हैं, तो भैया जाते हैं आप लोगों के लिए, बट बहुत सारी चीजें साथ में लेके जाते हैं, यार हमारे भी घर परिवार है, ठीक है, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ रिलेटिव है, तो यार देखो सारी चीजें लेके चलना पड़ता है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेगा, आपका भाई कुछ मेरे करीबी है, वो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि यार भैया हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे,
तो यार दोस्तों देखो, आप जो आपकी रिस्क पे है, बाकी मेरा कहना यही है कि फालतू की रिस्क आप ना ले। और जो भाई चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं वो भाई के पेज को फॉलो करना ना भूले, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई लाइट ऑन कर लो, उनसे रिक्वेस्ट है कर, आपका भाई इतनी रात को अगर लोकेशन पे आता है ना, एक छोटी सी चीज की आपसे डिमांड कर रहा है, वो ये है कि यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में शेयर कर देना और लाइक दे देना, ठीक है। और ज्यादा बिना बात करे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। इश भाई आगे करो, कैमरा लाइट ऑफ कर लो, और कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, खतरा है माना इस लोकेशन पे, बट रिस्क तो लेनी पड़ेगी अपने भाइयों की, अगर डिमांड है, कमेंट आ रहे हैं तो बिल्कुल वापस आना पड़ा। अपन जब आ रहे थे, जब रास्ते में वो चाय के होटल पे रुके थे ना अपन, जब वहाँ पे एक दूसरे ने बात कर रहे थे कि भिखारी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो। किसको? भिखारी को। भिखारी को मारने की प्लानिंग, मतलब साजिश। भिखारी को मारने की साजिश, भिखारी से क्या ले लेंगे ये? भिखारी के पास होता क्या है? वही तो, भिखारी पास तो वैसे कुछ नहीं होता, वो क्या लेंगे मार के, है ना। हाँ। तो भिखारी की मारने की साजिश करके भिखारी से ले क्या लेंगे? तो वही तो बता रहे भाई, को नशेड़ी होंगे, ऐसे ही बकचोदी कर रहे होंगे, कुछ लेना देना तो है नहीं। आप खुद सोचो यार, ऋषि भाई भिखारी से क्या ले लेंगे? वो लगता है क्या आपको भिखारी से, है ना? उसके पास होता ही नहीं है। भिखारी के पास होता क्या है ना भाई, किसी पैसे वाले के या किसी की साजिश करे तो अपन माने ही। भिखारी के पास, बेचारे के पास कुछ होता है ही नहीं। कहाँ पे? वो पीछे वाली हाईवे पे जो होटल आई थी वहाँ पे। वहाँ पे आप सही कह रहे हो, भिखारी को मार के ले क्या लेंगे, उसके पास होता क्या है? वैसे भी कुछ नहीं होता भाई भिखारी के पास, आप खुद अंदाजा लगाओ। कोई पैसे वाला होता, उसको मारने की साजिश करते तो अपन थोड़ा सा मान ही लेते। भिखारी के पास कुछ है ही नहीं, उससे क्या लेंगे, है ना। ये तो भाई को नजेड़ी थे, फालतू की बकवासें कर रहे होंगे, और कुछ ही नहीं है। चल भिखारी को मार के करेंगे। चलो उन बातों को छोड़ो, अपन लोकेशन पे आ गए, बी अलर्ट, ठीक है। सामने भाई, ये अचानक से सामने आ गई। ओ बाप रे, तो यार देखो वही है, ये अपनी तरफ बढ़ रही है और ये पीछे जा रही है, देखना एक बार। हाँ, ये पीछे की तरफ जा रही है शायद। ओ भाई, पीछे बढ़ रही है रतबी यार। हे मेरे बजरंग बली, रतबीर ये आज अपन को देख के पीछे क्यों बढ़ रही है? उस दिन तो आ गया, कुछ चीज लेके आए थे अपने साथ, आज इतना तो है कि ये अपने को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस गुरुदेव ने एक ही चीज बोली है, गाड़ी से उतर के इसके करीब नहीं जाना है। बड़ी खतरनाक लग रही है यार ये तो। मैं बजरंग बली, क्या करें, नीचे उतर गए भाई? नीचे उतर सकते हैं लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा सकते। आप आगे मत जाना। देखो मैं आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपकी मदद के लिए आया हूँ। भाई वो पीछे हट रही है, भाई वो पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। देखो वो, देखो फिर से पीछे आ रही है। भाई आज आज ही अपने पे हावी तो नहीं हो सकती वो, कहीं अपन को लेके तो नहीं जा रही? नहीं भाई। जाती जा रही है रदी पे, देखो देखो इतनी खतरनाक लग रही है यार। भाई आज ये तो देख लिया मैंने कि मेरे गुरुदेव की शक्तियों में कमी नहीं है, कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो गुरुदेव के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों यार एक चीज, भाई झूम करके देखना एक बार, पीछे जा रही है रदी पे, देखो। भाई लास्ट टाइम मैं इसको बोल के गया था कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी बच्ची को लेके आऊंगा, और एक चीज और है मेरे पास दोस्तों, मैं आपको अभी नहीं बताने वाला और शायद हो सके ना बता पाऊं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती है यार जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, क्योंकि कुछ गंदे लोग भी है जो हमारी वीडियो को देख के उन चीजों का गलत इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैं वो चीजें सामने नहीं लाना चाहता। आगे देखते देना, देखना जैसे गाड़ी आगे लेंगे ये आगे बढ़ेगी उस तरफ। वो देखो भाई पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, फिर से हटने लग गई। हाँ है ना भाई, वो पीछे जा रही है भाई, इसी का है, इसी की हरकत है ये, घबराना नहीं है भाई आज बिल्कुल भी। अरे इसके साथ देखो, तुम चाहे जितना चलावा कर लो, मुझे पता है तुम आज मेरी तरफ नहीं आ सकती। इसको जाने दो, कहाँ जाती है ये? जा रही है बिल्कुल पीछे हो चुकी है भाई,
हो सके आज है ना, एक चीज है ये अपने को गुरुदेव तक ले जाए और गुरुदेव की वजह से ही अपने को ले जाए और अपनी कब्र तक ले जाए, वहां तक अपन पहुंच गए ना तो अपन इसका पीछा कर सकते हैं भाई। वो कंटिन्यू जा रही है, पर मैं नीचे उतर के देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ। भाई वो देखो वो पीछे जा रही है, जूम करना भाई पीछे देखो, वो जाती जा रही है पीछे भाई, बाहर देखो जा रही है, उतर के देखता हूँ ना। हाँ देखो, देखो उतर के रहना। हाँ एक बार देख लेते हैं मामला क्या है, आराम से आना ना। हाँ घबराना मत। हाँ ईशु भाई हाँ बाहर आओ आप, आज इसका पीछा करते हैं ना। आ जाओ बाहर आ जाओ। वो जा रही भाई, वो जा रही है ईशु भाई, आगे आओ लाइट ऑन करो फटाफट, हेडलाइट ऑन रहने देना गाड़ी की एक बार। हाँ। चालू है ना देखना, चालू रखना है ना, आगे की तरफ भाई। एक चीज जरूर क्लियर है आज ईशु भाई, कि वो अपने ऊपर हमला नहीं कर सकती और अपनी तरफ बढ़ नहीं सकती, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव, ठीक है। बट ये ध्यान रखना वो नुकसान पहुंचा सकती है अपने को, वो डराने की। क्यों सामने की यार वो ना, इस तरफ तो कोई रास्ता नहीं है। आगे आओ ईशु भाई, देखो आप सामने आ सकते हो, मुझे पता है आप यहीं पे हो। रदी भाई मेरे को कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है यार। रदी भाई सुनो, आवाज आ रही है, औरत की आवाज है, उसी की रोने की आवाज है। शायद हो सके जब उसके साथ बदसलूकी हो रही थी ना, उस टाइम शायद ये इसी तरह रो रही थी। यहाँ तक भाई कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो, शायद मैंने भी देखा था। तक तो कैमरे में थी, बाद में वो पेड़ों की वजह से दिखना बंद हो गई, झाड़ियों की वजह से है ना। हाँ। भाई उसी तरफ उसका घर भी था, जो कच्चा मकान था ना। हाँ। वो इसी तरफ था, हो सके ये अपने को वहां तक लेके जाए। और तो नहीं लेके जा रही वापस से, देखो मुझे पता है ये आवाज आपकी है और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं, तो आपको हमारे सामने आना पड़ेगा। आप हमारे आसपास मौजूद हो, मुझे पता है अच्छे से आप यहीं मौजूद हो। भाई आवाज देख, कंटिन्यू आवाज आ रही है इसकी है ना, आवाज आ रही है लेकिन सामने नहीं आ रही है। देखो आप मुझे मजबूर कर रहे हो, आपको आपकी बेटी की कसम है, आप हमारे सामने आओ। गाड़ी क्यों लाइट बंद हो गई? बंद हुई गाड़ी की। रघुवीर गाड़ी क्यों, क्या आगे भाई कोई तो है। वही भाई, भाई गाड़ी की लाइट कैसे बंद, वहां कोई खड़ा है यार, वही है रघुवीर, वही चीज है। जूम करना भाई, जूम करना। हाँ वही है। ओ भाई रघुवीर गाड़ी की लाइट, भाई रघुवीर गाड़ी की लाइट बंद चालू हो रही है। देखो मैं आपका आपकी बेटी की कसम डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं जब तक यहाँ पे आना बंद नहीं कर सकता, जब तक आपके लिए कुछ अच्छा ना कर सकूं, आपकी मुक्ति ना करवा सकूं, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। रघुवीर सामने खड़ी है यार, हेडलाइट बंद चालू करके हमें डरा नहीं सकते, मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। रघुवीर 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 आपको आपकी बेटी की कसम है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है, ठीक है, आप आगे आओगे मुझे मजबूरन सेफ्टी निकालनी पड़ेगी आपके लिए, आपका ही नुकसान है उसमें। हो गया जी रघुवीर राधे भाई से, ये तो पक्का पता है कि आज मेरे पास जो चीज है उस वजह से ही अपनी तरफ नहीं बढ़ सकती। रघुवीर जितना डराने की कोशिश करेगी ना भाई, गाड़ी पे कंट्रोल है इसका पूरा रखना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी वजह से पूरे गांव में
दहशत का माहौल है, बहुत से लोग अपने खेतों पे जाना बंद कर चुके हैं क्योंकि रास्ता यही है खेतों पे जाने का। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, ठीक है, आपके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ, ठीक है, लेकिन जो आपके गुनाहगार थे उनको सजा भी मिल चुकी है। आप बेकसूरों को डरा रहे हो, ठीक है, आप कम से कम 3-4 लोगों की जान ऑलरेडी ले चुके हो। जान, अगर आप आपकी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। रुद्रिया निकलो यार यहाँ से। भाई भाई पीछे पीछे, मुझे एक ही चीज बोली थी बस के वो हाथ खड़ा करे तो पीछे हट जाना तुरंत वहां से। रुद्रिया अपने आसपास नहीं आ जा कहीं। देखो भाई जो मेन चीज का डर था ना वो तुझे बता दो ईशु भाई। रुद्रिया अभी तक भी गाड़ी की लाइट है ना। गुरुदेव ने एक चीज बताई थी, जैसे ही वो अगर अपना हाथ खड़ा करे ना उसके पीछे हट जाना बस। भाई जब भी हाथ खड़ा करती है ना उसकी क्या मेन जो वजह ना वो ये है कि इसकी अकाल मृत्यु हो रही है। रुद्रिया भाई गाड़ी में अपन दो ही थे सिर्फ, गाड़ी स्टार्ट हुई है, गाड़ी स्टार्ट हुई है और देखो लाइट बंद चालू हो रही है। देखो तो फिर अब चलेंगे कैसे वापस? भाई वो गाड़ी में, श्योर 100% वो गाड़ी में। वापस बंद हो गई। रुद्रिया आवाज इधर से है ना, वो गाड़ी के अंदर ही है भाई। वो रही भाई वो देखो, जूम करने की कोशिश करो, वो पीछे बैठी है शायद, वो देखो गाड़ी में। वो देखो फिर से स्टार्ट हो गई गाड़ी। वो देखो गाड़ी पे पीछे हो भाई, पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। आराम से आना आप, वो चीज भी यही थी भाई, देखना यहाँ दिखी थी ना। हाँ इसी जगह गए थे वो भाई, भाई वो शायद गाड़ी में हो सकती है। ओ रुद्रिया वो भी गाड़ी में ही है, देखो यार भाई गाड़ी की लाइट चालू हुई है। ओ देखो भाई गाड़ी स्टार्ट है, कोई नहीं है गाड़ी में, भाई गाड़ी में कोई है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ भाई गाड़ी चली यार। हाँ गाड़ी अपनी तरफ आई थी। रुद्रिया क्या है यार, माँ का गाड़ी चल रही है, कोई नहीं है गाड़ी में भाई। भाई गाड़ी आ रही है देख, भाई 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 पीछे पीछे भाई पीछे। बाप रे रुद्रिया गाड़ी आगे अभी भी आगे बढ़ रही है भाई, अब देखो भी आ रही है गाड़ी पीछे से बराबर। निकलो